तो आज हम धारणीय पशुधन विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पशु विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, धारणीय पशुधन विकास में आईटीकी का उपयोग, आईटीके इसका मतलब है इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज, जो हम देशज तकनीकी भी कहते हैं, तथा धारणीय पशुधन विकास में आईटीकी के खोज, पहुंच और प्रलेखन के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। धारणीय पशुधन के संवर्धन में आईटीकी के उपयोग का भी अध्ययन करने वाले हैं। जैव प्रौद्योगिकी यानी हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं जिसे, उसका परिभाषा यह है कि जैव प्रौद्योगिकी सजीव वस्तुओं में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करना। प्राचीन काल से ही, प्राचीन समय से ही हमारे जो शास्त्रज्ञ है, खाद्यान्न उत्पादन सुधार की वृद्धि में कृत्रिम रूप से पशुओं का चयन और प्रजनन की शुरुआत हुई है। उसके बाद में सूक्ष्म जीवों में भी जैव प्रौद्योगिकीय दोहन का उपयोग ब्रेड, बियर, एंटीबायोटिक्स और किण्वित उत्पादनों के लिए किया जाता है। ये तो हुई जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम कुछ सोच रखते हैं। वैसे ही देशज तकनीकी, जिसे हम आईटीके कहते हैं, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जिसे हम कहते हैं, वो भी पशुधन विकास के लिए बहुत उपयुक्त साबित हो रही है। जिसे ये कहा जाता है कि प्राचीन साहित्य से पता चलता है कि कृषक स्वयं ही प्रतिकूल मौसम की समस्या के लिए कोई ना कोई तकनीक की विकसित करते आ रहे, जिसे देशज प्रौद्योगिकी कहा जाता है। धारणीय पशुधन विकास में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व हम अभी देखने वाले हैं कि जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी पशुधन विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पशु प्रजनन में जैव प्रौद्योगिकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोई उदाहरण हम बोलते हैं, जैसे कि पशु प्रजनन में मुख्य भूमिका है कृत्रिम गर्भधारणा, भ्रूण स्थानांतर, आनुवंशिक मार्कर तथा क्लोनिंग। डॉली करके कोई एक क्लोन, एक शीप है जिसे क्लोनिंग से पैदा किया हुआ है। एक शीप का जीन्स लेके उसका प्रतिरूप, जिसे हम डॉली भी कहते हैं, डॉली शीप भी कहते हैं, जिसको हम क्लोनिंग प्रयोग से तैयार किया है। दूसरा जो घटक है जिसे पशु पोषाहार में जैव प्रतियोगिकी का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, एंजाइम्स और जैव अम्लों के उपयोग से पशुधन के पोषण को बेहतर बनाया जा सकता है। हम देखते हैं वैक्सीनेशन, जिसे कहते हैं वैक्सीनेशन यानी टीके भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पशुओं को रोगों से बचाने के लिए। सो पारंपरिक टीके को तनुकृत हो या निष्क्रिय किया गया हो, प्राय पशु रोगों की रोकथाम के लिए काफी प्रभावी माना जाता है। नंबर 4 है पशु रोग निदान। पशु रोग निदान के लिए जैव प्रौद्योगिकी से बेहतर और अधिक यथार्थ परीक्षण हम मालूम कर सकते हैं। पांचवा स्तर जो है, या पांचवा घटक जो है इसका, जिसमें हम ये कहेंगे उपचार और रोग नियंत्रण में भी जैव प्रौद्योगिकी एक अपनी भूमिका निभा रही है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं, फुफुंद से निष्कर्षित एंटीबायोटिक्स का उपयोग पशु स्वस्थ में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जाता है। अभी हम देखेंगे देशज तकनीकी की संकल्पना कैसी हुई है। देशज तकनीकी यानी आईटीके, इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज। एक शास्त्रज्ञ है जिसका नाम है ओग, जिन्होंने 1988 में आईटीके को परिभाषित किया है। जैसे कि उन्होंने कहा है, समग्र ज्ञान और व्यवहार जो जीवन में विभिन्न पहलुओं में स्थितियों और समस्याओं से निपटने के लिए लोगों के संचित भावों पर आधारित, तथा ऐसा ज्ञान और व्यवहार किसी विशेष संस्कृति के लिए विशेष होता है।
ये उनकी परिभाषा है। जिसे सहज सोपी अगर कहा जाए तो कृषक स्वयं ही किसी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए दर बदर पीढ़ी पर दर कोई एक तकनीक निकालता है और उसे अपनाता है। जैसे कि हम आप लोग कभी कभी कहते हैं कि दादी माँ का खजाना, कभी कभी बच्चों के लिए कुछ हमारी दादी माँ कोई बताती है कि ये दही पिलाने से उसका कब्ज दूर हो जाएगा या फिर हल्दी लगाने से उसका रोग दूर हो जाएगा। इस तरह से जो नुस्खे होते हैं, छोटे छोटे नुस्खे कृषक स्वयं ही विकसित करता है और उसको अपनाता है, उसे ही हम देशज तकनीकी कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि देशज तकनीकी के क्या लाभ है, देशज तकनीकी क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इतना प्रभावित क्यों है। तो हम देखते हैं कि देशज तकनीकी अगर हम उपयोग करते हैं तो वो कम लागत की होती है। कभी कभी तो कोई लागत भी नहीं लगती है, घर के ही कुछ सामान होते हैं जैसे कि दही हुआ हो या हल्दी है या नमक है या कोई किसी झाड़ का पत्ता है, नीम का पत्ता है, इसी से भी हम लोग कुछ ना कुछ उसका भी कुछ ना कुछ रोगों को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। और ऐसा है कि दूसरा लाभ है तुरंत उपलब्धि, यानी ये जो वस्तुएं होती है, जो साधन होते हैं, तुरंत ही उपलब्ध होते हैं हमारे घरों में, हमारे खेतों में भी आराम से ये सारी सामग्रियां हमें मिल जाती है। तथा तीसरा उपयोग ये है कि सहज कार्यान्वित, यानी उसको कोई तकनीकी या कोई प्रक्रिया कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता है, इसे ही हम कोई सहज और सोपी प्रक्रिया से उसको अपनाते हैं। तो देशज तकनीकी के ये लाभ है। अभी हम इसको कैसे संवर्धन करें, इसकी संकल्पना कैसे बढ़ाए, तो कहते हैं कि वैज्ञानिक और आईटीके का संवर्धन होना चाहिए, उनमें मिलाप होना चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक अपनी कोई एक तकनीक निकालता है, कृषक भी कुछ ना कुछ तकनीकी निकालते हैं। अगर ये दोनों तकनीकों को मिलाप हो जाए तो कोई और एक बढ़िया तकनीकी सामने आ सकती है। इसलिए कहा गया है कि वैज्ञानिक और आईटीके के तकनीकों का संवर्धन होना चाहिए। और दूसरा कहा जाए कि जो आईटीके है, जो देशज तकनीकी है, उसकी खोज होनी चाहिए, उसका प्रलेखन हो जाना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही जरूरी है, उसका प्रलेखन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर कोई तकनीक है और उसकी क्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसके प्रयोग क्या है, इसका अगर हम प्रलेखन कर लेते हैं, उसको किसी संग्रह में संग्रहित करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होती है उसे भी उसका लाभ हो सकता है। और कहा गया है कि आईटीके का प्रौद्योगिकी के साथ मिश्रण होना चाहिए। वही मैंने कहा है कि टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी तथा देशज तकनीक, यानी जो इंडिजिनस नॉलेज, उसका मिश्रण होना चाहिए। प्रलेखित आईटीके का वैज्ञानिकों का तर्क के स्थापना होना, यानी प्रलेखित करके जो भी आईटीके है उसको प्रलेखित करके उसको वैज्ञानिक के तर्क पे उसकी स्थापना होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने कहा है कि देशज तकनीकी इतनी सहज और सलग होती है और कम लागत में होती है, सहज ही उपलब्ध हो जाती है। मैं आपको देशज तकनीकी के कुछ नुस्खे बताऊंगी जिसके वजह से हमारे जो पशु होते हैं उनके रोग दूर हो सकते हैं, उनका पोषाहार बढ़ सकता है। तो मैं ऐसे कुछ तकनीकी है जो किसी ने पहले ही प्रलेखित करके रखा है, उसके मैं कुछ नुस्खे आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं एक बताऊं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण तकनीकी है कि आम के अचार का मसाला और नीम की पत्तियां पीस कर पशुओं को ब्लोट रोग से मुक्त किया जाता मुक्त कर सकते हैं। जैसे ब्लोट करके कोई एक रोग है पशुओं को बहुत हानिकारक होता है, तो हम आम के अचार का मसाला और नीम की पत्तियां पीस कर वो अगर पशुओं को खिलाया जाता है तो वो ब्लोट रोग से मुक्त हो जाता है। ज्वार, केरोसिन और पीली मिट्टी की पट्टी का प्रयोग पशुओं के पैर के घाव और मुंह के रोगों में लगाया जाता है। नंबर 3 है, पशुओं के गैस्ट्रिक रोगों के लिए 10 ग्राम हींग 500 मिलीलीटर खाद्य तेल में मिलाकर देने से वायु रोगों से आराम मिल जाता है। इमली की छाल की गोंद का उपयोग मछली पकड़ने के जो जाल होते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए किए जाते हैं। पशुओं का कोई घाव या चमड़ी के रोग जो होते हैं उसको नीम की पत्ती और हल्दी का पाउडर का पेस्ट लगाकर अगर लगाया जाता है तो चमड़ियों के रोग भी दूर हो सकते हैं। नमक और उबले इमली के पत्तों की थाली से गरम सेक देने से पशुओं को मोच और दर्द से राहत मिल सकता है।
अभी और हम और तकनीक और कुछ नुस्खे में बताना चाहूंगी जो बहुत ही सरल और सहज है, और हम ये नुस्खों को या ये तकनीकों को आराम से अपने पशुधन को रोगों से मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कटाई के बाद केले के तनों को तालाब में मिलाकर पानी को क्षारीय बनाकर, पानी अगर ज्यादा क्षारीय हो तो मछली ज्यादा अच्छा उसका विकास होता है। तो क्या करते हैं कुछ लोग, अगर केले का अगर काम हो, केले के पेड़ों को काट कर उसके तनों को तालाब में डाल देते हैं, और क्या होता है कि उसके वजह से पानी क्षारीय बन जाता है, उसके वजह से मछली का अच्छा विकास होता है। नीम के पत्तियों को कैस्टर ऑयल में मिलाकर खिलाने से पशुओं के कब्ज दूर होती है। बहुत ही सरल और सादा उपाय है, नीम के पत्तियां लो और कैस्टर ऑयल में उसको मिलाकर उसको पीस कर पशुओं को खिला दो तो उसकी कब्ज दूर हो जाती है। छोटे बछड़ों के पेट के कीड़े मारने के लिए दही या छाछ को तांबे के बर्तन में रखकर जब तक उसका पानी नीला कलर का नहीं होता है तब तक उसको वैसे ही रखकर, अगर पानी नीला कलर का हो जाता है तो वो पिलाने से बछड़े के पेट के कीड़े मर जाते हैं। वर्षा काल में हमने देखा है कि पशु बहुत हरा चारा खाते हैं और उनको वायु की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे में क्या करना है कि दही का पानी, प्याज और शरीफे के पत्तों को मिक्स करके उसको मिलाकर पशुओं को खिलाया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पशुओं के पेट के जो वायु के विकार होते हैं वो दूर होते हैं। ये है आईटीके के कुछ चुनिंदा नुस्खे जो सहज और बहुत सोपे होते हैं, बहुत सरल होते हैं, और ये नुस्खे अगर हम अपने घर में करते हैं तो हमारे पशु रोगों से मुक्त हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि आईटीके यानी इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज यानी देसी तकनीकी के कुछ लाभ भी हो सकते हैं, कुछ कमियां भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या है। तो लाभ यही बोलेंगे कि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से तैयार किया जा सकता है, वो उसमें कोई लागत नहीं लगती है, आराम से सारे साधन सामग्री हमारे घर में रहते हैं, हमारे खेतों में रहते हैं, तो उसकी उपलब्धि जल्दी हो जाती है। और इसके अलावा इसमें कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं होता है जिसके वजह से हमारा पर्यावरण भी दूषित होने से बचता है, ये इसके लाभ है। इसकी कमियां भी है। अभी कमियां अगर देखे जाए तो आईटी की का किसी समुदाय के अंदर से एक या दूसरे समुदाय को समुदाय के समान रूप से वितरण होता है। जैसे कोई एक आईटी की कोई एक देसी तकनीक है जो एक समुदाय से दूसरे समुदाय को उसका वितरण होता है, उसका प्रसार होता है। तो अभी क्या होता है कि जो सारे लोग तो वैद्य नहीं हो सकते, कोई एक ही वैद्य हो सकता है जिसको सारी तकनीकी की जो प्रयोग में लाता है उसको सब उसकी मात्रा मालूम होनी चाहिए, उसका प्रयोग कैसे मिला, पीस कर खिलाना या ऐसे ही खिलाना या दही के साथ मिलाकर खिलाना या तेल के साथ मिलाकर खिलाना, ये जो छोटी छोटी बातें होती है किसी एक व्यक्ति को अच्छी तरह से मालूम होती है। जब इसका वितरण होता है तो वो सही ढंग से होता है कि नहीं वो भी देखना है। अगर उसका सही ढंग से वितरण नहीं हुआ, किसी मात्रा में कम ज्यादा हो गया है, तो हो सकता है कि उसका विपरीत भी परिणाम हो सकता है, कोई भी तकनीक का विपरीत परिणाम भी हो सकता है। तो इसलिए ये इसकी कमियां हैं कि कोई भी तकनीक अगर एक समुदाय से दूसरे समुदाय को वितरण हो रही है, प्रसार हो रही है, तो वो सही माध्यम से होनी चाहिए, सही प्रक्रिया से होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि वितरण किसी व्यक्ति के ज्ञान के प्रबंधन के एकाधिकार और आर्थिक स्तरीकरण के सक्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए देसज तकनीकी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचना में स्वतंत्र रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ये इसकी कमियां हैं। संक्षिप्त में कहा, मैं यही कहूंगी कि आईटी की देसज तकनीकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे फाउंडेशन बनाना चाहिए, ऐसे फाउंडेशन की स्थापना करनी चाहिए जिसमें देसज तकनीकी का संवर्धन होना चाहिए, उसका प्रलेखन होना चाहिए, उसका प्रसार होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने धारणीय पशुधन विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी तथा देसज तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ये दोनों तकनीकी पशुधन विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी हमारे स्टडी मटेरियल में भी उपलब्ध है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मैनेज की वेबसाइट का भी अध्ययन कर सकते हो। धन्यवाद।